अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आज सब। आज दोस्तों हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज के आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें हमने हार्वेस्ट करना है पुदीना और धनिया। तो गाइस मैंने आपको दिखाना है इस वीडियो में कि हम कैसे करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास पुराना गमला एक मौजूद है। पुराने से मुराद ये है कि इसमें ये जड़ें इसकी अच्छी खासी ये ख़राब हुई हैं। मुझे इसको कटिंग तो करना ही था, तो इससे अच्छा है हम इसकी पुदीने को इस्तेमाल कर लें। इसको आपने दोस्तों कैंची से इस तरह से काटना है, ये ऊपर ऊपर से आप काट लें, फिर इंशाल्लाह इसमें नया फ्रेश पुदीना आना शुरू हो जाएगा। धनिए का भी हमने ये बीज लगाए थे और कितना अच्छा है इसमें ये धनिया आना शुरू हुआ। इसका भी सेम तरीका है जैसे पुदीने का है, आपने ऐसे ऊपर ऊपर से इसको कटिंग करते रहना है। अगर आप ऐसी कटिंग नहीं करेंगे तो इसकी जड़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, नई ग्रोथ नहीं होगी। तो इसको भी आप ऐसे कट करते रहें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा धनिया मिलेगा। तो भाई जी ये देखें, हमारे पास और ये धनिया बड़े गमले में भी मौजूद है। देखें कितना अच्छा आ रहा है। ये मैंने ये थोड़ी से यहाँ पे बीज ख़राब हो गए थे हमने डाले, अब ये देखें ये भी नए आना शुरू हो गए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हम इसको भी ये अच्छा खासा बड़ा हो रहा है, तो इसी यही प्रोसेस सेम रखना है और ऐसे ऐसे आपने इसको धनिया को काट लेना है। ये हमारा धनिया इस्तेमाल होने के लिए तैयार है गाइस। ये देखें, ये हमने पहले इसमें कटिंग करी थी, ये देख रहे हैं ये नए नए आने पत्ता शुरू हो गए हैं। तो आप इसमें अभी इसको थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये ऊपर ऊपर की आप काट लें, जो बड़ी पत्तियां हैं आपकी आप इसको काट कर यूज़ करें। ख़ास तौर से ग्रीन टी में ये बहुत मज़ा आएगा इसको यूज़ करने में आपको। ये देखें कितना शानदार पुदीना है माशाल्लाह से। और इसमें भी है एक और गमला हमारे पास है, इसमें से भी आप ऊपर ऊपर से इसकी कटिंग कर लें इस तरह से। गाइस ये देखें, हमारे पास ये छोटे गमले में भी पुदीना लगा हुआ है। अब ये देखें, लेकिन छोटे गमले में भी कितने बड़े इसकी हाइट हो गई है, कितनी अच्छी इसने माशाल्लाह ग्रोथ करी है। इस वजह से क्योंकि हमने इसमें खाद हम इसको रेगुलरली इसकी चेंज करते हैं, अब इसको भी हम बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पूरा इसका गमला निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैंने पहले भी आपको एक आध वीडियो में दिखाया है कि इसका क्या तरीका होता है। इसका तरीका ये है कि ये कोई सी भी आप एक डंडी इसकी ले लें थोड़ी सी जानदार, और इसको आपने एहतियात से ऐसे ये जड़ समेत निकालना है। क्या ये जड़ देख रहे हैं, इस जड़ समेत आपने इसको निकालना है और इसको अब हमने दूसरे बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर देना है। तो आइए मैं इसको भी दिखा दूं आपको कि इसको कैसे। हमारे पास देखिए ये गमला एक मौजूद है, इसमें थोड़ी सी इसी जगह इसको ज़्यादा हवा नहीं लगने देनी है, इसको इतनी स्पीड से हो सके आप इसको मिट्टी में फिट करें इस तरह इसको करना है। अब इसमें भी देख रहे हैं आप ये मिट्टी कम है, तो हमारे पास ये और खाद मौजूद है, इसी तरह हम इसको भी पूरे को फिल करना है ऊपर तक इस तरह से। आप इसको कवर कर लें और इस ये जी हमारा अब पुदीने का नया गमला तैयार है। इसको भी अब हमने भर के पानी देना है। फर्स्ट टाइम में तो भर के पूरा फिल करें पानी, और ख्याल रखें कि इसका ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा हो, पानी नीचे से निकल जाए ताकि इसकी जड़ें ख़राब ना करें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।